दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में और स्वागत है आप सभी का बीपीसी पेरेंट चैनल पे। और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। और फिलहाल आज तारीख 6 फरवरी है और आज के दिन मैं अपने टू डू लिस्ट को अभी निर्धारित करूँगी। खैर, कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं मेरे मन में कि मुझे आज क्या क्या करना है। और मेनली आज मुझे एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना है और उसको मैं ही रूम पे लिखूंगी अपने। और बाकी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, आज मेरा दिन किस तरह से प्लान्ड होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं और शॉर्ट्स में मैं वो आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। आपके रिस्पॉन्स भी अच्छे हैं और आप में से कितने लोग मेरे साथ इस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में या फिर मेरे साथ आंसर राइटिंग करने को इच्छुक हैं या फिर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई आज की और बाकी चीज़ें मैं अपडेट करती रहूँगी आप सभी के साथ। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह स्वीट पोटैटो खाने से, और इसे मैंने अपने शॉर्ट्स में भी शेयर किया है वैसे, लेकिन यहाँ पे फुल ब्लॉग मैं जब अपलोड कर रही हूँ तो उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। सामान्य तौर पे मेरे दिन की शुरुआत चाय से हो रही है, लेकिन आज मैं शकरकंद पहले खाई थी तो चाय मैंने बाद में पी है। और चाय के बिना तो मेरा दिन ही अधूरा रहता है, और ना पीऊँ तो ऐसा लगता है कुछ तो छूटा हुआ है काम। चाय और चावल के साथ मेरे साथ तो ये कंडीशन है कि ये दोनों बहुत मस्ट ही हैं मेरे दिन में। अगर किसी दिन चावल ना खाऊं तो अधूरा अधूरा ही लगता है। खैर, यहाँ पे मैं आज लिखने वाली हूँ एक टेस्ट सीरीज जो कि किसी पर्टिकुलर कोचिंग संस्थान की है, जो दिख ही रहा होगा। और ये जीएस पेपर 2 का एक प्रॉपर फुल टेस्ट जिसे बोलेंगे, तो वही फुल टेस्ट है और आज मैं इसे कम्प्लीट करने वाली हूँ। और इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी मैंने डाला है। और आज जो आंसर राइटिंग का सीरीज़ मेरा 7वां दिन है, तो उसमें मैंने इसी के आंसर राइटिंग चूँकि प्रैक्टिस कर लिए हैं तो अलग से कोई क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि पूरा ही टेस्ट सीरीज जब मैं लिख रही हूँ तो एक अलग से सिंपल सा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी, तो इसी को मैंने आज कम्प्लीट किया है। और बाकी टू डू लिस्ट में टेस्ट सीरीज़ था और प्लस में विजन आईएएस की एक प्रीलिम्स से रिलेटेड टेस्ट सीरीज थी जो पहले से ही मेरे पास पड़ी हुई है। वो यूपीएससी की टेस्ट सीरीज है तो उसे बस मैं रिवीजन कर रही हूँ अभी, उसके बाद उसे हटाना है। और बाकी एमसीक्यू आज मुझे मॉडर्न इंडिया के सॉल्व करने हैं, वो 2 से 3 दिनों में मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। और अभी समय हो गया मेरे खाने का, यानी दोपहर के खाने का, और ये गरम गरम वाष्प निकल रहा है मेरे खाने से। तो आज के खाने में है डीबीसी यानी दाल भात चोखा, और साथ में है सलाद। तो सलाद बहुत ग्रीन, मतलब टमाटर प्याज मटर यही सब मैं खाती हूँ, सभी लोग यही खाते होंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि टमाटर लाल क्यों होता है। मिर्च तो है नहीं मेरे खाने में, लेकिन ये भी बताना है कि मिर्च में क्या पाया जाता है और प्याज में कौन सा एलिमेंट या क्या पाया जाता है। तो खैर, अभी करते हैं अपने भोजन को समाप्त, दोपहर का वक्त हो गया है तो पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। और वैसे तो मेरा ये फेवरेट भोजन है, मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन जब खाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है दाल भात चोखे के बाद। तो चलिए पहले अपना भोजन शुरू करते हैं और अपने फेवरेट भोजन का, अपने जो आपका पसंदीदा व्यंजन है उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ धूप में, और साथ में बस लिया है मैंने ये किताब, ये जो कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, और तो कुछ नहीं है फिलहाल। धूप में मैं लूँगी विटामिन डी और मस्ती माहौल कुछ नहीं, बैठ के थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर आया जाएगा 3 तो बजने ही वाला है अभी, 3:30 बजे तक वापस मैं अपने रूम पे जाऊँगी और अकेले बकवास करती हूँ मैं जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आपसे पार्क में बकवास करूँगी। और आंसर राइटिंग का है कि सेक्शन में करके मैं कर रही हूँ, प्रॉपर मैं 3 घंटे बैठ के कर नहीं रही थी, तो अभी 2 सेक्शन मेरा कंप्लीट हुआ है, एक मैं थोड़ा ब्रेक के बाद करूँगी कंप्लीट। और मेनली वो जीएस पेपर 2 का है टेस्ट सीरीज, तो फिलहाल अभी इसको ये रोकते हैं वीडियो को, फिर जाके आपसे बात करूँगी थोड़ी देर में। पार्क में बैठ के मैंने पढ़ी है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित कहानी शुद्रा, और ये एक विवाहित जोड़ी की कहानी है जो कि
विवाह के पश्चात बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं किसी कारणवश, और फिर बाद में वो लोग गिरमिटिया मजदूर बन जाते हैं। और ये कहानी पूरी पढ़ने के बाद फिर मैं वापस अपने कमरे की ओर आ गई, और कहानी का जो अंत था वो दुखद था, इसीलिए थोड़ा सा मन भी उदास हो गया था। मेरे साथ ऐसा हो जाता है, कहानी से मैं ज़्यादा ही अटैच हो जाती हूँ। वापस अपने रूम पे जा रही हूँ मैं अब, और एक कहानी बस मैं यहाँ पर पढ़ी हूँ जिसका नाम है शूद्रा। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत रूम पे जाके बताऊँगी। एंड ये पार्क का व्यू, यहाँ पे कुछ फूल भी लगा हुआ है, और यहाँ पार्क में प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। वैसे वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन देखकर तो अच्छा लगता ही है, फूल कितने मनमोहक होते हैं। और मैं भी अपने कमरे पे बार बार, मतलब कई बार लाई हूँ कुछ कुछ फूल कि वो लग जाएं, लेकिन पता नहीं, मुझे या तो गार्डनिंग आती नहीं है या फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, तो इसलिए वो ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं सूर्य देवता से आशीर्वाद लेने के बाद आगे बढ़ रही हूँ अपने रूम की ओर। और बहुत सारे लोगों का ये मैं कैप्शन देखती हूँ कि सन किस्ड, बट मेरा ये मानना है कि सन किस्ड नहीं, सन ब्लेस्ड होना चाहिए। हम सूर्य देवता से आशीर्वाद लेते हैं। तो खैर, सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी मर्जी, अपने अपने शब्द। रूम पे आके रिवीजन किया है मैंने विजन आईज के एक टेस्ट सीरीज़ का, जो कि मुख्यतः मॉडर्न इंडिया पर आधारित था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही सॉल्व की हुई थी, बस मुझे इसका रिवीजन करना था क्योंकि अब ये चीज़ें कबाड़ में जाएंगी, तो मुझे लगा एक नज़र तो ले ही लेना चाहिए। और इसके रिवीजन के बाद फिर मैं निकली मार्केट की ओर, और एक्सरसाइज भी करना था मुझे, तो एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद एक नज़र मैंने स्टॉल पे भी डाल लिया, जो बुक स्टॉल होता है। और यहाँ से बजट जो 2024-25 का है, उसकी जो मुख्य विशेषताएं से रिलेटेड कॉपी थी वो मैं उठा के ले आई, मतलब ख़रीद के ले आई, उठा के नहीं लाई थी। और आज पनीर भी खाई हूँ मैं रात में, तो उसके लिए पहले पनीर लेना ज़रूरी था, तो पनीर की दुकान पर मैं पहुँच गई। यहाँ से और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं बोलूँगी, हाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं लेके आई थी मार्केट से। फ्रूट्स में मैंने बस बनाना लिए थे, और ये चीज़ें शेयर करती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी रिलेट कर पाते होंगे। सिर्फ पढ़ाई नहीं होता, बाकी चीज़ें भी आपको खुद से ही करनी होती है, और अच्छी बात है कि आप अपना काम खुद करते हो। घर पे तो पापा, भैया, भाई, छोटे भाई अगर हैं तो वो लोग ही लाते हैं। यहाँ बाहर जब आप रहते हैं, चाहे दिल्ली, पटना, कहीं भी रहें, तो आपको सारी चीज़ें खुद से करनी होती हैं। और अब मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं हर रोज़ रूम से बाहर निकलती हूँ। पहले ऐसा होता था, 3-4 दिन तक मैं रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी, और उसमें थोड़ा सा अजीब भी लगने लग जाता था, मतलब मन थोड़ा सा व्याकुल हो गया या कुछ भी। तो इसीलिए मैं अब आदत डाल रही हूँ कि हर रोज़ बाहर जाऊँगी मैं। और रूम पे आते आते लगभग 7:15 बज गए थे, और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद, ब्रेक मतलब थोड़ा इधर उधर करने के बाद, मैं फिर 7:30 बजे के आसपास से बैठी हूँ अपने पढ़ाई के लिए। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न इंडिया के MCQ लगा रही हूँ, जो कि घटना चक्र से ही मैं पढ़ती हूँ। MCQ के लिए तो मैं घटना चक्र ही प्रेफर करती हूँ, बाकी अभी मैंने स्टार्ट किया है। NCERT के भी मैं MCQ सॉल्व करूँगी, या तो खुद से बनाऊँगी या कहीं अवेलेबल होगा तो वो मैं खुद से ही करूँगी। और NCERT कवर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और बहुत सारे लोग ये क्वेरीज होती हैं कि NCERT पढ़ना ज़रूरी है क्या, सिर्फ हम लूसेंट से पढ़ के काम नहीं चला सकते। तो नहीं, अब ऐसा पैटर्न नहीं है BPSC का, अब आपको NCERT पढ़ना ज़रूरी होगा। और अब समय हो गया है रात्रि के भोजन का, तो आज मेरे खाने में है पनीर और रोटी, तो मैं अब खाना खाने जा रही हूँ। और ये अपडेशन देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ अपनी चीज़ें आप सभी के साथ, तो एक नॉर्मल ब्लॉग के तौर पर भी मैं ये चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो खाने में पनीर और रोटी, और फिर उसके बाद मैं पढ़ूँगी MCQ, तो मैं लगा रही हूँ आजकल मॉडर्न इंडिया का। और बाकी MCQ के बाद मैं आज, पता नहीं क्यों MCQ बोलने में वो थोड़ा सा वो हो रहा है मुझे, तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ बजट। तो अभी खाना खाने के बाद मैं पढ़ूँगी, और उसके लिए मैं एक छोटी सी पत्रिका बोलूँगी या फिर एक समरी बोलूँगी। समरी अवेलेबल था मार्केट में, तो मैं वही उठा के ले आई हूँ। तो पहले उसको मैं कवर करूंगी, और फिर बाकी बाद में जब मैं सेकंड रीडिंग करूंगी उसके बाद नोट्स बनाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल अपना खाना ख़त्म करते हैं, और ये टेस्ट सीरीज मुझे आज कंप्लीट करना था, जो कि कंप्लीट हो गई है, और GS Paper 2 का ये टेस्ट सीरीज था। और बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि आंसर राइटिंग अभी से करना ज़रूरी है क्या, अभी हमें सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ने का मन होता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स पढ़े, तो नहीं, अब वो पैटर्न नहीं है, अब वो समय गया कि सिर्फ आप प्रीलिम्स पढ़ते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग भी करना आवश्यक हो गया है। और खैर, यहाँ पे अब मैं पढ़ने वाली हूँ बजट, और बजट पढ़ने से पहले मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, तो इसी के लिए थोड़ा सा ब्रेक है यहाँ पे आधे घंटे का,
और बजट अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। पहली बार थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। बजट से आप अपने पूरे देश को जान सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप बजट पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। अगर समझ नहीं आता है तो YouTube पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो उसको देखिए। और खैर अभी मैं बजट पढ़ूंगी। अभी समय हो चुका है 9:40 जो कि रात का समय है, और सुबह मैंने व्लॉगिंग की शुरुआत भी इसी जगह से की थी और अभी भी एंड में इसी जगह से कर रही हूँ, मतलब इसी कॉर्नर से अपने रूम के। और अब मुझे पढ़ना है बजट, तो ये मैं मार्केट से लाई थी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप सभी के साथ शेयर भी की हूँ। तो आज लाई हूँ मैं इसको और उम्मीद है कि सोने से पहले कुछ इसके चैप्टर जो हैं बजट के वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और पढ़ने में इंटरेस्टिंग होता है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो अच्छी बात है, मतलब पहले कभी प्रीवियस ईयर के बजट आपने पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो स्टार्ट कीजिए, बजट पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और खैर आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और बाकी चीज़ें तो कुछ शेयर करने के लिए और तो क्या चीज़ें थी कुछ भूल रही हूँ मैं। खैर आज मैंने अपने एक टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट किया जो कि बहुत पहले छूटा हुआ था कभी ज़माने में, तो वो एक टेस्ट सीरीज़ मैं लिखी हूँ BPSC के GS पेपर 2 का, और फिर उसके साथ मॉडर्न इंडिया के MCQ लगाए हैं मैंने, और ये बजट पढ़ूंगी आज। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही था, मिलती हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में। कुछ तो कहने के लिए एक बात है मेरे मन में जो एकदम से मैं भूल गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे एंड नहीं करना था, कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने सोचा हुआ था, पता नहीं वो कौन सी बात है, कभी याद आएगा तो मैं अगले व्लॉग में शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ। खैर आज के इस व्लॉग में इतना ही, और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और तैयारी कैसी चल रही है, क्या कर रहे हैं आजकल आप लोग, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, धन्यवाद।